बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं ये साउथ से हैं, मैं बोलता हूँ कुछ और ये समझते हैं कुछ और। अब तो मैं डर गया हूँ कि फिल्म भी पता नहीं मैं क्या बनाऊंगा, लोग क्या समझेंगे, ये क्या बनाएंगे और मैं क्या समझूंगा। रात को हमारी शूटिंग चलती, सुबह 9 बजे तक हम लोग शूट किए हैं, तो सुबह 9 बजे मैंने इनको मैसेज किया कि मैं 6 बजे के पहले नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मैं रात भर शूटिंग किया हूँ। तो अभी इनको मैसेज किया तो बोले मैं समझा नहीं। आप क्या बोले? मैं समझा नहीं। आप क्या समझे सर, आप बताओ। नहीं सर, जो भी होता है ये फिल्म का पूरा कर्मा करता क्रिया सब दिनेश जी है। करता क्रिया, ओके। तो हीरो जी के साथ हम चलने का है, बस चलने का है। चलने का है। भोजपुरी इंडस्ट्री में आकर के आपको कैसा लगा दिनेश जी जैसे? या तो ये फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, तो फर्स्ट टाइम दिनेश जी जैसे सुपरस्टार से काम कर रहा हूँ, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो मैं साउथ से इधर आया हूँ, तो कैसे भी करके ये फिल्म सुपर हिट करना तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसा बनाने के लिए। तो मेरा कोशिश तो मैं कर रहा हूँ और मेहनत कर रहा हूँ, तो बाकी पूरा सर के ऊपर है। अगर सर समझे तो। अगर सर को बातें समझ आई तो। उम्मीद करते हैं सर को समझ आए। नहीं नहीं समझ आएगी, क्यों नहीं आएगी। बहुत अच्छी स्क्रिप्ट बनाया सर ने और पॉलिटिक्स के ऊपर फिल्म बना रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये जो स्क्रिप्ट है संतोष मिश्रा जी ने लिखा है ना? हाँ सर, संतोष मिश्रा जी ने लिखा है और सर ने लिखा है, और बहुत अच्छी स्क्रिप्ट बनाया है इन्होंने। 25 तारीख से हम लोग शूटिंग करने जा रहे हैं और इसकी शूटिंग हम करेंगे आजमगढ़ में, और गाने उसके रिकॉर्ड हो रहे हैं, और आज उसकी गाने की कुछ रिहर्सल करने के लिए सर ने आज यहाँ पे रखा हुआ है। सरप्राइज मुझे मिला बाद में कि आप लोग भी आ रहे हैं, मुझे आइडिया नहीं था, हम तो रिहर्सल जान रहे थे कि रिहर्सल है, पर ठीक है, अच्छी बात है, आप लोगों से भी मुलाकात हो गई। दिनेश जी, पॉलिटिक्स, आजमगढ़, निरहुआ, तीनों एक अद्भुत संगम, आपने इस किरदार को बखूबी जो है जिया भी, प्रैक्टिकल लाइफ में जी, अभी भी आप आजमगढ़ में लोगों की सेवा कर रहे हैं, आपने तमाम, मुझे लगता है कि ये मेरा कर्तव्य है। मैं आगे कभी चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, मैं पॉलिटिक्स में रहूं या ना रहूं, पर अगर मैं वहां चुनाव लड़ने गया था और 360,000 लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, 360,000 मुझे वोट मिले आजमगढ़ में गठबंधन के बावजूद, तो मुझे लगता है ये मेरी जिम्मेदारी है कि कम से कम ये जो 5 साल है, ये 5 साल तो मैं उनके बीच में रहूं और उनकी जो भी समस्याएं हैं वो मैं सुनूं, क्योंकि मुझे पता है, और मैं ये चुनाव से पहले भी कहता था कि जिनके खिलाफ मैं चुनाव लड़ रहा हूं वो तो आपको देखने नहीं आएंगे, क्योंकि बड़े नेता हैं, उनके पास समय होगा भी नहीं। और ये झूठ भी नहीं था, उनके पास टाइम है भी नहीं आजमगढ़ के लिए। तो मुझे पता था कि मुझे समय देना पड़ेगा आजमगढ़ में, तो मैं दे रहा हूं, मैं महीने में 2 बार आजमगढ़ जाता हूं। आजमगढ़ में मेरी 10-15 लोगों की टीम काम कर रही है हर विधानसभा में, और वहाँ की जो भी समस्याएं होती है वो मुझ तक आती है, और मैं जो भी विभाग है, जो भी मंत्री हैं, जो भी अधिकारी हैं या मुख्यमंत्री जी, सबके पास वो चीज़ मैं पहुँचाता हूँ, और मैं इसको अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि ये मेरी जिम्मेदारी है। और मैं ये भी कहता हूँ कि जब आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और देश में भी, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसे समय में अगर आजमगढ़ के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, तो बाद में अगर मैं जीत भी जाऊं तो मैं वहां कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे लगता है जो मैं कर सकता हूं वो भी कर सकता हूं, इसलिए मैं वहां लगा रहता हूं। आप बताना चाहेंगे फिल्म के बारे में, आपको बताया गया होगा स्क्रिप्ट, किस तरीके की भूमिका है आपकी? जी, मेरा रोल बहुत ही अच्छा है, उस अभी डिटेलिंग पर हम काम कर रहे हैं, मैं और सर बात करेंगे, बट मैं हमारे डायरेक्टर सर के बारे में ये कहना चाहूँगी कि बहुत ही विजनरी हैं,
और जो जो वन लाइन जो मैंने सुनी है, जो कहानी सुनी है, आई एम श्योर कि दिनेश जी और हमारी पूरी टीम अपना काम बहुत अच्छे से करेगी और हमारी फिल्म का जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बहुत शानदार बनेगा। दिनेश जी, एक आप जैसे पॉलिटिक्स का हिस्सा है, एक ऐतिहासिक फैसला पास हुआ है 370 को लेकर, कुछ कमेंट करना चाहेंगे इसमें? बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये ऐतिहासिक फैसला है और इसका इंतजार हम सबको था, क्योंकि चुनाव से पहले ये वादा किया भी गया था 370 हटाएंगे, तो किसी को भरोसा नहीं होता था, मुझे खुद भरोसा नहीं था कि ऐसा हो पाएगा, पर ये जब हुआ है तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो हमारे देश का अटूट हिस्सा है, वहाँ भी अब लोगों को, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनको राजनैतिक रूप से भी और हर तरीके से उनको वो अधिकार मिल पाएगा जो भारत के अन्य राज्यों को मिलता है, क्योंकि अभी तक उनको नहीं मिल पा रहा था, वो लोग बहुत वंचित रह जाते थे। अब मुझे लगता है कि वो सारी सुविधाएं और तरक्की भी जो है वो वहाँ पे होगी, और जिस तरह से हमारे देश के गृह मंत्री जी ने, श्री अमित शाह जी ने लोगों का आह्वान किया, जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी लोगों का, फिल्म के लोगों का भी आह्वान किया कि आप आइए जम्मू कश्मीर में और शूटिंग कीजिए। एक समय ऐसा आ गया था जब लोग वहाँ जाके शूटिंग करने में डरने लगे थे, माहौल खराब हो गया था, पर हमारे देश की सरकार जो है वो पूरी तरह से वहाँ कानून व्यवस्था भी दुरुस्त कर चुकी है और अब हम लोग भी जाके वहाँ अच्छी शूटिंग कर पाएंगे। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मैं एज एन इंडियन मुझे बहुत अच्छा फील हुआ उस दिन, क्योंकि हम सबको जो राइट्स मिलते हैं एज सिटीजन ऑफ आर कंट्री, अगर कोई भी बच्चा या कोई भी इंसान उस राइट्स से दूर रहता है और उसे वो सारी चीज़ें नहीं मिलती जो उसे इस देश का नागरिक होने पर मिलनी चाहिए, तो वो अच्छी बात नहीं है। अब मुझे लगता है बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगा वहाँ पर और लोग बहुत अच्छी खुशहाल ज़िंदगी वहाँ पर जी पाएंगे, तो इस चीज़ की वजह से सच में मुझे बहुत खुशी है। 15 अगस्त आ रहा है, देश के जवान सैनिकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें गर्व है अपने देश के सैनिकों पे, जो इस देश के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और मैं क्या अच्छा कहीं ना कहीं मैं भी अंदर से सैनिक ही हूँ और मैं चाहता भी था फौज में जाना, नहीं जा पाया, हाइट कम पड़ गई मेरी मैंने एनसीसी किया था इसीलिए पढ़ाई के वक्त कि मैं फौज में जाऊंगा, मेरा बड़ी इच्छा थी मेरी, फिर भी मेरे घर से काफ़ी लोग हैं फौज में, तो मैं बहुत प्राउड फील करता हूं अपने सैनिकों के ऊपर जो हमारे देश की सीमा की रक्षा करते हैं, और उनके वजह से जो है दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं होती है कि हमारे देश की तरफ आँख उठा के देखें। जब जब किसी ने हमारे देश के ऊपर आंख उठाने की कोशिश की है, हमारे देश के जवानों ने उनको ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया, चाहे वो कारगिल हो, चाहे वो 65 हो या 72 हो, जब भी हमारे देश के ऊपर किसी ने नज़र उठाई तो उसको दौड़ा दौड़ा के और लखेद लखेद के हमारे सैनिकों ने मारा, और इस वजह से हम जो है सुरक्षित हैं और हमारा देश जो है हमेशा ऐसे ही हमारी आज़ादी बनी रहेगी जब तक हमारे देश के वीर सपूत जो है अपने भारत माता के लिए हमेशा अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार रहेंगे। और इसके अलावा भी कोई नेचुरल कैलामिटीज भी अगर आ जाए, अभी हम इतने वीडियोस देख रहे हैं, इतनी सारी चीजें देख रहे हैं हम लोग, कोई नेचुरल कैलामिटीज भी आ जाए, कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं लैंडस्लाइड हो जाए, वहाँ पे भी हमारे फौजी हमेशा पहुँच जाते हैं सबकी मदद करने के लिए, तो हम तो उनको जितना थैंक्स बोले उतना कम है। बाकी सब प्रोफाइल्स तो सिर्फ जॉब होती है, लेकिन ये जॉब प्रोफाइल नहीं, ये सच में फीलिंग है, जो फौजी के लिए जो हम रिस्पेक्ट रखते हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जी दिनेश जी, बाहुबली फिल्म के कोरियोग्राफर भी आपके साथ बैठे हैं, प्रेम जी, उनके बारे में कुछ? जी, मेरा सौभाग्य है, मुझे जैसे ही जितेंद्र सर ने बताया कि सर जो है गाना हम लोग के साथ करेंगे, तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि हम सब की फेवरेट मूवी है बाहुबली, और इतनी बड़ी मूवी के इतने बड़े कोरियोग्राफर हैं, और सर ने अगर हम लोगों को एक मौका दिया है कि हम उनके साथ काम कर पाएंगे, तो ये सौभाग्य है हमारे लिए, हम ऐसा मानते हैं। तो जी,
मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके से आपने देखा बीजेपी सरकार लगातार एक के बाद एक फैसले लिए जा रही है, आपको लगता है कि राम मंदिर का फैसला भी अब अचानक ही हो जाएगा और हमें सरप्राइज मिलेगा? होना ही चाहिए। मुझे लगता है कि ये अयोध्या का और ये भगवान श्री राम का ये अधिकार है। जब आम नागरिकों को अधिकार मिल रहा है तो भगवान जी को तो मिलना ही चाहिए, और बनेगा, मुझे लगता है 100% मंदिर बनेगा। हाँ, ये बात अलग है कि ये मामला कोर्ट में है और कोर्ट जो फैसला लेने के लिए तैयार भी है, जितनी जल्दी फैसला आएगा, और मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसी एक पक्ष में ही फैसला आए, वहाँ ऐसा जो है हमारी कोर्ट ऐसा फैसला करेगी कि ना हिंदुओं को कोई प्रॉब्लम होगी ना ही हमारे मुसलमान भाइयों को प्रॉब्लम होगी। आस्था है तो ठीक है, आप हिंदुओं की भी आस्था बनी रहे, मुसलमानों की भी आस्था बनी रहे, और बीच का कोई रास्ता निकलेगा, मंदिर तो बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने भी बाहुबली की बात की, एक आपकी भी फिल्म आ रही थी महाबली, जी शूट पर हम आए थे, कब तक बनी तैयार होगी कुछ बताना चाहेंगे? हम लोगों ने उस फिल्म का जो है प्रोमो शूट किया था, उन्होंने हमको जो जानकारी दी थी कि हम प्रोमो शूट करेंगे और उसके बाद उस पर काम करेंगे, काफ़ी वो बड़ी फिल्म है तो उस पर वो लोग वर्क कर रहे हैं। उसके प्रोड्यूसर जो है रमेश ब्यास जी और उसके डायरेक्टर फिरोज इकबाल बख्श जी, वो स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं। जितना जल्दी वो लोग मेरे तक स्क्रिप्ट लेके आएंगे हम शूटिंग पे जाएंगे उसके। अमृतपाल जी, रक्षाबंधन आ रहा है, क्या तैयारी है? अरे हमारी बहुत सारी तैयारी थी, हम सब भाई बहन गोवा जा रहे थे, हमारी सब टिकट्स विकेट सब कुछ हो गई थी, और फिर वहाँ पे पता नहीं कुछ रोडवेज ब्लॉक हो गए हैं या कुछ तो प्रॉब्लम हुई है वहाँ पर, तो वो सब कैंसिल हो गया है। लेकिन कोई बात नहीं, हम भाई बहन जहाँ रहेंगे वहीं पर पार्टी करेंगे और बहुत एंजॉय करेंगे, एक दूसरे के साथ रहना ज़रूरी है। कई हमारी शादीशुदा बहनें जो दूर रहती हैं, कोई जमशेदपुर रहती हैं, विशाखापट्टनम रहती हैं, सब आएंगी, सब जीजा जी आएंगे, सारे भाई भाभी सब बच्चे सब साथ में होंगे, तो बहुत अच्छा फैमिली टाइम होने वाला है। मैंने 4 दिन का स्पेशली गैप लिया है ये रक्षाबंधन के टाइम पे, ताकि मैं अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकूं, एंड बहुत आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। दिनेश जी, रक्षाबंधन से ही आपसे रिलेटेड है, आपकी बहनों ने कभी ऐसा फनी आपसे डिमांड की है राखी बांधने के बाद कि आप बहुत अच्छे सिंगर हैं तो भैया मोरे गाना सुनाइए? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरी बहनें जो हैं वो खुद ही बहुत अच्छा गाती हैं, और इस बार संजोग की बात है कि 15 अगस्त को ही रक्षाबंधन भी है, तो मैं भी जा रहा हूँ, अपने गांव जा रहा हूँ, कल जाऊँगा और अपनी बहनों से राखी भी बंधवाऊँगा, और आजमगढ़ में हम लोग तिरंगा भी फहराएंगे, उसका भी कार्यक्रम है, और कुछ वहाँ की समस्याएँ थी आजमगढ़ की जो मुश्तकाई हैं तो उनको सॉल्व करके फिर वापस मैं आ जाऊंगा, क्योंकि मैं दोनों काम साथ में ही कर रहा हूं। मैं जाके बीच में जो भी 15 दिन में वहां की समस्याएं इकट्ठा होती हैं वो सब ले करके और उसको सॉल्व करवा के फिर मैं आ जाता हूं यहां शूटिंग करने के। रवि किशन साहब ने जो है बहुत ही अच्छी अपनी उपलब्धि मतलब अपने लिए बहुत इजी वे कर लिया है, आज ही उन्होंने एक बाइट में कहा है कि मैं फिल्मों से दूर नहीं होना चाहता और मैं राजनीति और सेवा भी करना चाहता हूं, इसी वजह से मैंने जो है गोरखपुर में ही फिल्म सिटी बनवा ली है, अपने लिए एक आसान कर लिया है कि बगल में ही शूट करना है। आप भी आजमगढ़ में फिल्म सिटी या कुछ फिल्म को लेकर ऐसा कुछ करना चाहने की सोच रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए क्या है, सबसे पहले तो समझने की बात यह है कि फिल्म बनाने के लिए फिल्म सिटी की आवश्यकता होती कितनी है। हम जो फिल्म बनाते हैं भोजपुरी फिल्म, उसमें एक घर चाहिए, एक सड़क चाहिए, खेत चाहिए, खलिहान चाहिए, गांव चाहिए, स्कूल चाहिए, जो हमको आजमगढ़ हो या गोरखपुर हो या बलिया हो ऐसे ही मिल जाते हैं। फिल्म सिटी की आवश्यकता ऐसे जगहों पर होती है जैसे लखनऊ हो गया, जैसे बनारस हो गया, जहाँ पे आप आसानी से शूटिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको एक ऐसे जगह की आवश्यकता होती है जहाँ बनावटी घर हो, बनावटी चीज़ें हो और आप वहाँ जाके शूटिंग करें, तो मुझे आसानी से सब कुछ ऐसे ही मिल जाता है वहाँ करने के लिए, अलग से वहाँ फिल्म सिटी बनाने की आवश्यकता नहीं है, और जब आवश्यकता होगी तो ज़रूर बनाया जाएगा। जी कैसा लग रहा है भोजपुरी के फर्स्ट कैसा लग रहा है आपको भोजपुरी का पहला समस्या करेंगे
भोजपुरी के सुपरस्टार के लिए। कोई बात नहीं सर, आप तेलुगु में बोल सकते हैं। दिनेश जी एंड ऑल द टीम, I'm so happy. Nowadi Bahubali, before I think 2003, I met him first. I was little bear, even the first song actually. I'm small choreographer. I worked with like 5,000 rupees something. I worked with him. We took him to London. I never forget that when he called me and telling like I'm doing with Dinesh here. I will come also work for him. I told him I came. You know that about Nirahuwa's dance. Yeah, I've seen all because the bhaiya showed me the flight and everything. The flight is showing me everything. I didn't answer everything. It's very good answer. I've seen it. Nice. Sir, go abhi dikhayenge Nirahuwa settle rahe, dikhayenge ki ye hai. सब कुछ पहले प्रिपेयर किया हूँ। ओके। प्रेम को सर देख पूरा देखे, बहुत अच्छा मोमेंट्स। वेरी गुड सर जी। ओके थैंक यू।